हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सबमिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? ये एक रिक्वेस्टेड चैनलिंग है, रिक्वेस्टेड एनर्जी चैनलिंग है। मुझे मेल पे किसी ने बड़े इमोशनली लिखा, मैम आजकल आप ज़्यादातर चैनलिंग जो डीएम जिन डिवाइन फेमिनिन की रियूनियन होने वाली है उनके लिए करती हैं, कुछ उन लोगों के लिए भी करिए जो मिड ऑफ द जर्नी में है। चलिए, आपको भी नाराज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए भी एनर्जी चैनलिंग कर देती हूँ। आई कैन डू एनर्जी चैनलिंग एवरी डे, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये तो हर दिन ही चेंज होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन होती है, राइट। बट हाँ, मेन जो चैनलिंग जो ज़्यादातर मैं करती हूँ कि जब देर इज सडन शिफ्ट इन द एनर्जी, आई प्रेफर कि मैं उस एनर्जी की चैनलिंग करूँ। सो आई डोंट लव टू डू चैनलिंग फॉर एवरी डे लिटिल बिट्स अप्स एंड डाउन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये, है ना, रोज अगर एनर्जी चैनलिंग देखने को मिले, इट्स लाइक हिंदी मूवी, है ना, हीरो हीरोइन क्लाइमैक्स। आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। लेकिन चैनलिंग मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, जो लोग अभी मिड ऑफ द जर्नी में है आज उनकी चैनलिंग है, उनके डीएम की चैनलिंग है, उनके हीरो की चैनलिंग है, राइट। लेकिन उसके पहले हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, राइट। अच्छी बात नंबर वन, देखिए दोस्तों, आप चाहे किसी भी जर्नी में हो, आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप सोल जर्नी हो आपकी, स्पिरिचुअल जर्नी हो, ट्विन जर्नी हो, या जो भी जिस भी जर्नी में हो, आप जर्नी पर हो ना, आपको आपके पास सोल है, मतलब आपके पास एक जर्नी है, राइट। आपको अपना 10% ऑफ योर टाइम, योर मनी, ठीक है, योर इमोशंस, ओके, भगवान को सरेंडर करना ही चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अपने अपनी कमाई का 10% दान करिए, उसी प्रकार अपने दिन का, अपने इस जीवन का, आज का जो ये नया दिन भगवान ने आपको दिया है, उसका 10% मीन्स 24 आवर्स का 10% जितना भी होता है आपको भगवान को देना चाहिए, राइट, जिंदगी बदल जाएगी, ओके। दूसरी बात, अक्सर आप लोग एक चीज़ चल रही है इस वक्त, हम लोग जो सोसाइटी कंडीशनिंग चेंज करने की बात करते हैं, कुछ लाइक कहीं कहीं कुछ डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स हैं, राइट, कुछ हम देख रहे हैं ट्विन फ्लेम्स में भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स आ रही हैं। जैसे कि मुझे आपके क्वेश्चन से पता चला कि आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैडम क्या अपने सोलमेट के साथ, जो कि आपका लाइफ पार्टनर भी है, फिजिकल इंटीमेसी पाप है? क्योंकि हमने ये सुना है कि एक बार ट्विन आने के बाद आप किसी और के साथ अगर फिजिकल होते हो तो आपको नरक की प्राप्ति होती है। ओ माय गॉड, सच अ बिग ह्यूज ह्यूज वर्ड्स। लेट मी क्लियर योर डाउट फर्स्ट। ये बात जो सुनी है आपने, ये आधी सच है और आधी गलत है। आधी सच इसलिए है क्योंकि जो लोग ट्विन जर्नी में यंगस्टर्स हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, राइट, अगर वो मूव ऑन की सोचते हैं कि हम मूव ऑन कर लेते हैं, राइट, कि हमसे इनर वर्क करते बन नहीं रहा है, टायर्ड हो गए हैं, दे आर वेरी इम्पेशेंट, ठीक है, उनके वो साधना करना नहीं चाहते, ठीक है, उनका मन नहीं लगता और वो सोचते हैं चलो यार मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी में, इससे तो अच्छा है कि कोई जो हमको पैम्पर कर रहा हो उसके साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं। यस, ये पाप है। अगर आपकी ट्विन से आपकी मीटिंग हो गई है, फिर क्योंकि आप असमर्थ हो रहे हो अपनी जर्नी को पूरा करने में, और आप सेल्फिशली ये सोच रहे हो कि लेट मी मूव ऑन, राइट, तो ये पाप है। क्योंकि आपको इतना स्पिरिचुअल वर्क कराई क्यों रहे हैं, क्योंकि इतना आपके, ठीक है, सोल सर्चिंग के ही कारण से इतने आपने मल्टी अफेयर्स कर लिए, होपफुली आप फिजिकल भी हुए होंगे कुछ अपने पास्ट अफेयर्स में। अब आपकी आत्मा की शुद्धि करनी है, राइट, ये शुद्धिकरण हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, और इस प्यूरिफिकेशन में ही आप अगर ये सोचो कि अब तो मैं थक गई, वो आ नहीं रहा है, मैं मूव ऑन कर लेती हूं, मतलब फिर से आप अशुद्ध होना चाहते हो, राइट, तो ये रॉन्ग है।
ठीक है, बट इन केस ऑफ द लाइफ पार्टनर्स, आपकी जिनसे शादी हुई है वो आपके सोलमेट हैं, इफ दे आर योर सोलमेट, ठीक है, और आपको आप इस जर्नी पे भी हो, अभी आपकी जर्नी कंप्लीट भी नहीं हुई है, ठीक है, और आपको अगर फिजिकल इंटीमेसी अपने सोलमेट के साथ करनी पड़ रही है तो ये पाप नहीं है। क्योंकि ये सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि अल्टीमेटली ये शादी जो आपकी सोलमेट से कराई किसने है, भगवान ने तो कराई है, वो भी तो शादी भगवान ने कराई है ना, ठीक है। जो शादी कार्मिक मैरिज होती है, वी कैन से कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ एंसेस्ट्रल कर्स, ठीक है, तो मैं कार्मिक मैरिज की बात कर ही नहीं रही हूं, बट जो आपकी सोलमेट से मैरिज है ये भी तो भगवान ने ही कराई है ना, भगवान ने उस शख्स को भेजा है आपको हीलिंग देने के लिए कि आप इस जर्नी को स्मूथली कर सको। तो जो फिजिकल जो प्लेन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट नीड टू बी फुलफिल, तो इसलिए मैंने कहा ये आधा सच और आधा झूठ है, राइट। ये का पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरी बात, तीसरी अच्छी बात वो ये है, आप लोग डीएम के फोन आते हैं, आप लोग ट्रिगर हो जाते हो। डीएम के ट्रिगर से कैसे बचें? वैसे तो मेरी इस वीडियो की हेडलाइन ये होनी चाहिए थी। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगी आप लोगों से, डीएम के ट्रिगर से कैसे बचें? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो, आप अपनी बॉडी को 3D और 5D में डिवाइड क्यों नहीं कर देते हो? एक आपका जो डीएम है, ठीक है, सपोज कि वो आपको ट्रिगर करने के लिए आया, वो आपको मिरर दिखाने के लिए आया, उसने कुछ आपको ऐसा बोल दिया जो कि आपको हर्ट कर गया। किसको हर्ट किया, किसको हर्ट किया? आपके 3D सेल्फ को। ये क्यों नहीं समझते? फॉर एग्जाम्पल कि सपोज एक मजदूर है, वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है, वो रेती गारा का काम कर रहा है, राइट, तो वो जो रेती गारा का जो छींटे हैं वो उसके कपड़े पे लगते हैं, या हो सकता है उसके स्किन पे लग जाएंगे, उसकी आत्मा पर तो नहीं लगेंगे ना, ठीक है। तो डीएम में क्या कोई भी ट्रिगर कर रहा है आपको, कोई भी कुछ आपको बोल रहा है कि तुम ऐसी हो, किसी का तुम पागल हो, सपोज किसी ने बोल दिया, ठीक है, तो एक तो ये उसकी उसकी मान्यता है, ये उसकी सोच है, और उसकी सोच पे हमारा अधिकार नहीं है। पहले तो आपको ये सोचना चाहिए क्यों ट्रिगर हो रहे हो, और सेकेंड थिंग कि उसने अगर आप पे ये आरोप लगाया है तो वो आपकी सोल पे नहीं लगाया, आपके 5D सेल्फ पे नहीं लगाया है, आपकी 3D पे लगाया है। एक बार आपने ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ना, तो आप लोग को ना कोई भी ट्रिगर ही नहीं करेंगे। सीरियसली, देर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर टू हील योर इशू, लेट मी टेल यू वेरी सीरियसली, सिंपली अवेयरनेस। अगर जागरूकता आपके अंदर है, अवेयरनेस है, तो आप हर ट्रिगर को बहुत आसानी से हील कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप कहेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई सेल्फ रिस्पेक्ट किसने कहा है आपको कि आप उनसे बराबरी से मुकाबला करिए? सेल्फ रिस्पेक्ट ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हर्ट हुआ, ये भी आपकी एक 3D सोच है, ठीक है। किसी ने आपको पागल बोला तो ये उसकी मान्यता है, आप अगर उसको स्वीकारते हो तब तो वो आपके ईगो को हर्ट करेगा, बट आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, आपने ये सोचा कि ये उसकी सोच है, तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो आपकी आपके वो 3D का हर्ट 5D तक पहुंच ही नहीं पाएगा, आपकी सोल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट। बट आपने स्वीकार लिया कि हाँ ये सही बोल रहा है, तब आपके सोल सेल्फ को हर्ट होगा, तब आप क्या करोगे, तब आप उसको ट्रिगर करोगे और नया कर्मा क्रिएट करोगे, राइट। तो ऐसे में क्या किया जाए, हम अपनी बेइज्जती कराते रहे? कोई हमको पागल बोल रहा है तो हम अपनी बेइज्जती कराते रहे? नहीं, आप उस चीज को शॉर्ट और स्वीट तरीके से वही खत्म करके आगे बढ़ सकते हो, राइट, देयर यू शुड मूव ऑन, ओके। उस बात को शॉर्टली स्वीटली, इंस्टेड कि आप बराबरी से मुकाबला करो, तुमने मुझे कैसे बोला,
ठीक है, बराबरी से मुकाबला करने की जगह पर शॉर्टली स्वीटली उस जगह से हट जाओ, राइट? तो आपका कितने आपका डीएम आपको ट्रिगर कर करके थक जाएगा, राइट? चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, अब हम जो मिड में जो डीएम है उनकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जो मिड में अभी डीएम है, कैसे मानेंगे ये कौन से डीएम है? जिन डिवाइन फेमिनिन्स को जो बिगनिंग की स्टेज में है सोल मर्जिंग की, लाइक कि आप दिन में एक आध बार उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो, आपको उनकी एनर्जी फील हो रही है, राइट? और जैसे कि आपको थोड़ी बहुत टेलीपैथी भी फील हो रही है, आपको थोड़ा बहुत जैसे कि आप प्राणायाम कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो प्राणायाम कर रहे हैं, या आप उनके उनके तरीके से हल्का हल्का बोलना शुरू कर रहे हो, ठीक है? मैंने कल के वीडियो में कहा था कि ये जर्नी में ये चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते जाती है, धीरे 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 बढ़ते जाती है। तो जो बिगनिंग में है ऐसे भी जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, और इनफैक्ट वो इस वक्त जैसे कि आपकी एनर्जी का सडन शिफ्ट हुआ है, उनकी एनर्जी का भी शिफ्ट हुआ है। वो भी एक बहुत ही जिस टाइम पे आप गहरे सोल शॉक में थे उस टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा गहरे सोल शॉक में थे, ठीक है? वो उस सोल शॉक को एक्सेप्ट करने की जगह पर वो अपना मन यहाँ वहाँ लगा रहे थे, लाइक अपने काम में या अपने फ्रेंड्स में या पार्टीज करने में, घूमने फिरने में, बट वो उनका ट्रू सेल्फ नहीं था। लेकिन अब जो वो उनका जो भी वो अपनी एनर्जी अब बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, वो अब जो भी निकल रहे हैं वो अपने ट्रू सेल्फ पे निकल रहे हैं, वो भी एक नई हवा, नई एनर्जी, नई फ्रेश एनर्जी में आ रहे हैं आपके साथ। उन्हें भी बहुत पॉजिटिविटी है कि उन्हें भी कुछ इंट्यूशन है कि आपका ये जो कनेक्शन है ये आगे बहुत ही कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो भी उम्मीद, जो इंट्यूशन आपको है, जो होप आपको है, वही होप उनको है, उनको भी इंट्यूशन हो रहा है, उनको भी पॉजिटिविटी हो रही है। वो अपने इस वक्त ये जरूर है कि वो आपसे बोलेंगे नहीं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, डिवाइन टाइमिंग नहीं हुआ है। तो वो अब जिस भी वर्क प्लेस पे अपना मन लगा रहे हैं वो बहुत ही खुशी से, जितना भी टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी याद तो उनके अंदर है, ठीक है? और आपकी याद उनके अंदर है और वो आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कहीं ना कहीं से आपको इशारे करेंगे, मे बी की स्टेटस लगा के कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे, या मे बी हो सकता है कि कोई अगर जो लोग अनब्लॉक हों उनको फेसबुक पे कोई स्टेटस आप देख सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं भी आप कुछ स्टेटस से इशारा करेंगे, डीपी चेंज करके या किसी भी तरीके से, या डायरेक्टली कोई इनडायरेक्ट मैसेज भेज के आपको इशारा करेंगे, राइट? लेकिन उनके अंदर खुशी किस बात की? अब आप कहोगे कि मैम खुश क्यों है, वो खुश इस बात के लिए है कि उनको एक भगवान ने सिग्नल दिया है, उन्हें एक इंट्यूशन दिया है कि आप आगे मिलने वाले हो। अभी ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी उनकी डिवाइन फेमिनिन उनको पूरी तरीके से भूली नहीं है, राइट? उनको पूरा विश्वास है कि आप आगे उन्हें मिल जाओगे। तो उनके अंदर एक रे ऑफ होप आ गई है, ठीक है? रे ऑफ होप आ गई है, वो उसी उस होप के सहारे अब वो जी रहे हैं, वो निकल रहे हैं बाहर, खुले मन से निकल रहे हैं, फ्रेश एनर्जी के साथ निकल रहे हैं। अब वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो खुशी के साथ आपको अपने मन में रख के घूम रहे हैं कि हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि वो आप तक अपने ये वाइब्रेशन को पहुंचा सके, अपने इस मैसेज को पहुंचा सके, ठीक है? अब ये जो लोग टेलीपैथी लोग जो लोग ने सेशन लिया है उनको बहुत जल्दी पिक मैसेज रिसीव हो रहा है, जैसे कि मुझे व्हाट्सएप पे आप लोगों के वो आए थे। जो लोग नहीं लिए हैं वो भी टेलीपैथी अपने जनरल एक सेशन खुद से भी कर सकते हैं टेलीपैथी का। आप अगर वो नहीं कर पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक कॉन्शियस सोल मर्जिंग की आपको टिप्स देती हूँ। देखिए आपको क्या करना है,
देखिए, जो सेशन लेते हैं बहुत अच्छी बात है, वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है, बट ऐसा नहीं जिन्होंने नहीं लिया तो उनका हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए अगर आपको उस जो आपको हल्की फुल्की सोल मर्जिंग अगर हो रही है, आप इसको कॉन्शियसली इसको एक्सैजरेट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ एनी मेडिटेशन सेशन इज दैट वो एक पुश देता है, एक धक्का देता है, एक स्पीड अप देता है आपकी इस प्रोसेस को। क्योंकि प्रोसेस देखिए, आप कितना भी कोई सा भी इनर वर्क कर लो, कैसा भी इनर वर्क कर लो, सीधी बात, जब तक आपने अपने अपने पे काम नहीं कर लिया, कितनी भी आपने ये मूवी देख ली ना रोज एनर्जी चेक इन की और हीरो हीरोइन क्लाइमेक्स सब देख लिया, तब भी जब तक आपका इनर वर्क नहीं होगा ना पूरा, आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, राइट। तो और करना भी आप ही को है, कोई आपके लिए कर नहीं सकता, करना आप ही को है, ठीक है। पर जो ये सेशंस होते हैं ये सिर्फ एक पुश देते हैं, एक स्पीड अप देते हैं आपके उस पर, ठीक है। तो जिन्होंने लिया है उनको तो बहुत फायदा हो रहा है। आज भी एक कम्युनिटी में मैं पोस्ट करने वाली हूँ, एक एक डिवाइन फेमिनिन को उसके डीएम ने बर्थडे पे उसको एक गिफ्ट किया है, उसके अपने हाथों से वो फ्लावर बनाया है। आई विल पोस्ट इन द कम्युनिटी। बाकी जो लोग नहीं लिए हैं, ठीक है, उनको मैं एक प्रोसेस सिखाती हूँ मर्जिंग की, कि आप जब ओम चैंटिंग करते हो, देखो मैंने ओम चैंटिंग को अपने उसमें क्यों रखा है। ओम चैंटिंग मतलब कि थर्ड आई को आप जब एक्टिवेट करते हो, ठीक है, आपका थर्ड आई जब ओपन होता है, राइट, आपकी टेलीपैथी थर्ड आई पे होती है, राइट, भगवान से कनेक्शन आपका थर्ड आई पे होता है। तो क्या होता है जब आप ये चैंटिंग करते हो, तो आप ऐसा विजुलाइज करो कि यूनिवर्स आपके सामने है, उनकी ब्राइट लाइट आपके सामने है, या जिस भी भगवान को मानते हो उन भगवान को अपने सामने रख के, उनको साक्षी बना के, ठीक है, अपने पर्सन के हायर सेल्फ को की परमिशन लेके। नेवर फॉरगेट टू टेक परमिशन ऑफ द हायर सेल्फ ऑफ योर पर्सन। अपने मन से ही नहीं मर्जिंग करना है, ठीक है, इट्स अ सिन। इसीलिए मैंने टेलीपैथी सेशन आप लोगों को दिया है, क्योंकि कुछ चीजें आप आधी दूरी यहां से सुन ली, वहां से सुन ली, और बस अपना मर्जिंग करना चालू कर दिया, ठीक है, राइट। मर्जिंग हमेशा याद रखिए, जब तक कि हायर सेल्फ से परमिशन नहीं मिलती है, आपके पर्सन के गार्डियन एंजल से परमिशन नहीं मिलती है, तब तक इट्स अ सिन, राइट। तो ये बेसिक जब हम लोग आधी दूरा जो नॉलेज देते हैं ना, कि कहीं कोई गाइडेड मेडिटेशन जो बाइनरल बीट वाला कर लिया, या कहीं से सुन लिया, कहीं से कोई किसी ने अपनी अपने हिसाब से मर्जिंग डाल दी, वो कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि तो मैंने भी देखा कहीं ये गाइड नहीं किया गया है कि टेक द परमिशन ऑफ योर हायर सेल्फ, योर पर्सन हायर सेल्फ, टेक द परमिशन ऑफ गार्डियन एंजल्स, और उनकी परमिशन लेने के बाद आपको भगवान जो आपके वहां पर है उनको साक्षी रखते हुए आपको अपनी बॉडी को, अपने हायर सेल्फ को उनके पास ले जाकर अपने आप को एक सोल की तरह पहले कन्वर्ट फील करना है, कि आप दोनों बिल्कुल साथ में हैं, एक दूसरे से के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल आप दोनों के शरीर एक दूसरे से अलाइन है, चिपके हुए हैं, एंड देन फील विजुलाइज कि आपकी बॉडी एक लाइट में कन्वर्ट हो गई है, एंड बोथ द लाइट्स आर नाउ मर्जिंग। तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, आप इस प्रकार से ये मर्जिंग को कॉन्शियसली भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारियां आपको मिली हैं, बहुत सारी नॉलेज मिली है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स, और आपका दिन शुभ हो।